हेलो फ्रेंड्स, मैं शीनू आप सभी का हमारे चैनल इंडियन फूड में स्वागत करती हूँ। छोले बनाने के लिए सबसे पहले हमने 2 कटोरी छोले लिए हैं, जिसे हम पूरी रात सोख करके रखेंगे। ये छोले हैं जो हमने पूरी रात सोख करके रखे हैं। अब इसको हम बॉईल करने के लिए रखेंगे। बॉईल करने के लिए कम से कम इसमें 5 या 6 सीटी लगाएंगे, जिससे अच्छे से बॉईल हो जाए। ये छोले हमने पूरी रात सोख करके रखे हैं। अब हम इसको बॉईल करेंगे। पहले हम इसमें पानी डालेंगे। उबलते टाइम इसमें हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। इसके लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है ये मैं आपको बताती हूँ। ये है दालचीनी, जीरा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, तेजपात के पत्ते, हरी मिर्च, लौंग, काली मिर्च, पिसा हुआ टमाटर, मैंने 2 टमाटर लिए हैं, इसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर, धनिया गार्निश करने के लिए, प्याज कटा हुआ पिसा हुआ, जो मैंने मैक्सिमम 3 ऑनियन लिए हैं, जिसको मैंने अच्छे से पीस लिया है, और ये बॉइल्ड छोले हैं। डालेंगे इसको, अच्छे से गर्म होने देंगे, जिससे इसमें तेल की स्मेल ना आए। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेजपात के पत्ते। दालचीनी काली मिर्च लौंग जीरा जीरे को अच्छे से भूनने देंगे। फिर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। और इसमें डालेंगे ओनियन का पेस्ट। ओनियन को अच्छे से भूनने देंगे जब तक ये अपना तेल ना छोड़ दे और इसका कलर ब्राउन हो जाएगा भूनते भूनते। आप देखिए प्याज हल्का हल्का भुनने लगा है, इसे हम बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे नीचे कढ़ाई में ना लग जाए। आप देखिए प्याज भुन चुका है, ये ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया है। अब हम डालेंगे टमाटर की प्यूरी, इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। टमाटर भुन चुका है और इसमें सबसे पहले डालेंगे हल्दी। धनिया पाउडर लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, याद रखिएगा हमने उबलते टाइम भी छोलों में नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हरी मिर्च डाली है हमने ये, और इसमें हमने चना मसाला डाला है। तैयार हो गई है। अब इसमें डालेंगे छोले जो हमने पहले से बॉईल करके रखे हैं।
अच्छे से मिक्स कर लेंगे। करने के बाद अगर आपको लगे आपका इसमें पानी कम लग रहा है आपको इसमें, तो आप इसमें और पानी डाल दीजिए। अच्छे से इसे ग्रेवी में मिक्स करने के बाद इसको 5-10 मिनट के लिए ढककर रख दें धीमी आंच पर। छोले अच्छे से उबल चुके हैं, आप देखिए छोले अच्छे से उबल चुके हैं। धनिया से इसे गार्निश करेंगे।